morning to all. Welcome to my class in standard 5th English 1, unit number 7, The Brave Little Kite. तो last video में हमने The Brave Little Kite है, वो एक poem है जो हमने already start कर लिया था, okay? तो ये जो poem है, वो एक little kite के बारे में है, वो उसको brave बताया गया है ना? Story है वो एक काइट की है, वो कैसे ब्रेव बनता है वो ये स्टोरी में ये पोयम में बताया गया है कि हमने टू लाइन्स है वो ऑलरेडी कंप्लीट कर ली थी कि एक्टिविटी नंबर जो 3 है उसमें ये जो पोयम है पेज नंबर है टेक्स्ट बुक में 59 ओके द ब्रेव लिटिल काइट तो इसमें आपने देखा था कि I never can do it the little kite से little kite है वो कहता है कि मैं ये कभी नहीं कर सकूंगा as he looked at the other high over his head तो दूसरी जो kite से उसके head के ऊपर fly कर रहे थे तो ये जो छोटा सा kite है वो नीचे पड़ा हुआ ऊपर देखकर बोलता है कि मैं ऐसा कभी नहीं कर सकूंगा क्यों ऐसा नहीं कर सकेगा कि I know I should fall if I try to fly कि वो कहता है कि मैं जानता हूं कि अगर मैं fly करने की ये जो दूसरी काइट्स fly करते हैं ऐसे fly करने की जो try करूंगा तो मैं नीचे गिर जाऊंगा ऐसे करके वो क्या कर रहा था डर रहा था ऊपर उठने के लिए fly करने से वो डर रहा था और दूसरे काइट्स को देखकर वो कह रहा था कि मैं ऐसा कभी नहीं कर सकूंगा Try, said the big kite, only try. तो अब जो बड़ा जो kite था उसके बाजू में वो उसको advice देता है, वो उसको कहता है कि try, तुम सिर्फ try तो करो, at least try तो कर सकते हो ना, okay? तो or I fear you never will learn at all. और वो जो big kite करता है कि तुम try करो, सिर्फ try करो, कि मैं डर रहा हूँ कि तुम कभी भी फ्लाई नहीं कर सकेंगे ऐसा मुझे डर है तो जो बड़ा काइट था उसको डर था कि अगर ये उड़ेगा नहीं ट्राई नहीं करेगा फ्लाई करने की तो उसको डर था कि कहीं ये कभी भी उड़ नहीं पाएगा ऐसा डर था कि वो उड़ने का सब जो उड़ रहे हैं ऐसे वो सीख ही नहीं पाएगा अगर वो ट्राई नहीं करेगा तो वो उड़ना सीख ही नहीं पाएगा ऐसा जो बड़े काइट को डर था But the little kite said, लेकिन little kite ने क्या कहा? I am afraid I will fall. वो बोलता है कि I'm afraid. क्या बोलता है? I'm afraid. है ना? यहाँ पे I'm यानी क्या होगा? I am and I will. क्या होगा? यहाँ पे I say या I will fall. इसका full form होगा I will. आप यानी आई एम कि मैं डर रहा हूं कि कहीं मैं गिर ना जाऊं ऐसा उसको डर था द बिग काइट नॉडेड ऑफ वेल गुड बाय अब बिग काइट है वो ऐसे मुंह हिलाकर नॉडेड करके कहता है कि निराश हो जाता है क्योंकि ये उड़ने को मना बोल रहा था लिटिल काइट है वो और कहता है कि मुझे डर लग रहा है इसलिए जो बड़ा काइट था वो ऐसे करके बोलता है कि ओके वेल ठीक है गुड बाय मैं जा रहा हूँ आई एम ऑफ मैं जा रहा हूँ ओके गुड बाय ऐसा कहके बड़ा काइट है वो चला जाता है एंड ही रोज टुवर्ड द ट्रैंक्विल स्काई तो जो बड़ा बड़ा जो भी काइट है वो उसको कहता है क्या कहता है छोटे काइट को लिटिल काइट को कि ओके मैं जा रहा हूँ गुड बाय और वो ट्रैंक्विल स्काई तो इसका मीनिंग क्या होगा स्काई है रोज यानी उड़ने लगता है ऐसा कह के जो बड़ा काइट है बिग काइट है वो ऊपर स्काई की तरफ उड़ने लगता है लेकिन स्काई है वो कैसा है ट्रैंक्विल ट्रैंक्विल यानी क्या होगा काम या तो फिर क्वाइट शांत है ना इसका मीनिंग क्या होगा जो स्काई है वो कैसा था बहुत ही शांत था काम था क्वाइट ट्रैंक्विल स्काई की तरफ वो उड़ जा
जाता है बड़ा काइट, और जो छोटा काइट है वो वहीं की वहीं पड़ा रहता है। Then the little kite's paper stayed at the side. अब जो छोटा जो लिटिल काइट था उसका जो पेपर था वो घूमने लगता है, मूव करने लगता है ना, साइड की तरफ देखकर उसको मूव करने लगता है, ओके। एंड ट्रेम्बलिंग ही शूक हिमसेल्फ फ्री फ्रॉम काइट, और कांपते हुए उसने अपने आप को फ्री कर दिया है ना, डरते हुए कांपते हुए उसने खुद को सेक करने के लिए, यहाँ पे सुख है वो सेक का पास्ट फॉर्म है, तो अपने आप को फ्री कर देता है उड़ने के लिए, फ्लाइट करने के लिए। फिर क्या होता है कि फर्स्ट वर्लिंग एंड फ्राइटन, पहले वो वर्लिंग है यानी क्या होगा उसका मीनिंग हमने मीनिंग देख लिए थे, वर्लिंग यानी सर्कुलर मोशन, ऐसे सर्कल सर्कल जैसे घूमता है, और फ्राइटेंड यानी डरा हुआ और घूमता पहले तो ऐसे होता है, देन ब्रेवर ग्रोन अप, ओके, और फिर उसके अंदर ब्रेवर है वो ग्रो हो जाती है ना, उसके अंदर एकदम से बहादुरी आ जाती है, ताकत आ जाती है उड़ने के लिए। अप ही रोज थ्रू द एयर अलोन, और वो एयर के थ्रू ऊपर के ऊपर क्या करने लगता है, अकेला ही रोज यानी राइज होने लगता है, उड़ने लगता है, ऊपर उठने लगता है, ओके। टिल द बिग काइट लुकिंग डाउन कुड सी द लिटिल वन राइजिंग स्टीडीली, और जो लिटिल जो काइट था वो उसने एक बार उड़ना स्टार्ट किया और वो उठता है लगातार, उठता ही रहता है जब तक कि जो बिग काइट है वो उसको क्या देख सके, लुकिंग डाउन कुड सी, और उसको जो बिग काइट है उसको नीचे उसके उड़ता हुआ देख सके, ऐसे वो लगातार उड़ना स्टार्ट कर देता है, बढ़ता ही रहता है, ओके। देन हाउ द लिटिल काइट थ्रिल्ड विथ प्राइड, अब वो उड़ने लगा है, ऊपर पहुंच गया है, तो उसके अंदर एक फीलिंग आती है, वो क्या हो जाता है, थ्रिल्ड विथ प्राइड, वो गर्व से रोमांचित हो जाता है, थ्रिल्ड विथ प्राइड यानी वो खुश हो जाता है एकदम कि मैं उड़ रहा हूँ, उसको प्राइड खुद पर प्राउड होने लगता है, और वो क्या उसको क्या फील करता है कि वो गर्व से रोमांचित हो जाता है ना, बहुत ही खुश हो जाता है। एज ही सेल्ड विद द बिग काइट साइड बाय साइड, क्योंकि वो जो बड़ा काइट था उसके साथ ये साइड से वो साइड, ये साइड हवा में तो काइट है वो यहाँ से यहाँ होते रहते ना, तो ये छोटा लिटिल काइट है वो बिग काइट के साथ सेलिंग करने लगता है, यहाँ से ये साइड से उस साइड जाता है, उस साइड से यहाँ पे आता है ऐसे, और ऐसे करके उसको अंदर से फीलिंग आती है, उसको कुछ प्राउड फील करने लगता है। व्हाइल फार बिलो ही कुड सी द ग्राउंड, जब वो दूर जा रहा था तो वो ग्राउंड को भी देख सकता था। एंड द बॉय इज लाइक स्मॉल स्पॉट्स मूविंग अराउंड, अब ऊपर से वो देखेगा तो नीचे जो थिंग्स है वो उसको छोटी छोटी लगेगी है ना, तो जो बॉयज है वो कैसे दिख रहे थे उसको, लिटिल स्पॉट्स, लिटिल छोटे छोटे धब्बे होते हैं ना, ऐसे मूव कर रहे हो ऐसे लग रहे थे उसको, जब ऊपर से जो काइट है वो नीचे बच्चों को देख रहा था, बॉयज को देख रहा था, तब उसको ऐसा लग रहा था। देयर रेस्टेड हाई इन द क्वाइट, और फिर ऊपर उठकर वो क्वाइट शांत एयर में क्या करने लगता है, रेस्ट करने लगता है, आराम करने लगा। एंड ओनली द बर्ड्स एंड क्लाउड्स वेयर देयर, और उसके पास सिर्फ बर्ड्स और क्लाउड्स ही थे और कोई नहीं था, पूरा स्काई है, एयर है, वो कैसी थी, एकदम ही क्वाइट थी, शांत थी। ओ हाउ हैप्पी आई एम, द लिटिल काइट क्राइड यानी चिल्लाता है और कहता है मैं कितना खुश हूँ ऊपर उठ के। एंड ऑल बिकॉज आई वॉज ब्रेव एंड प्राइड, और ये सब कुछ है वो किसके कारण हो सका, क्योंकि वो ब्रेव था, वो बहादुर था, और उसने ट्राई किया है ना, अगर वो ट्राई ही नहीं करता तो वो कभी भी ऊपर नहीं उठ सकता, और उसके अंदर जो ब्रेवरी है वो बाहर नहीं आ पाती, और वो खुद को प्राइड फील नहीं कर सकता था है ना। तो हमें भी क्या करना है, हम सबको ट्राई करना है और ऊपर उठने की,
और खुद को प्राइड फील करवाना है, ऊपर उठ के आगे 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 ही आगे बढ़ते ही रहना है। आपको उड़ना नहीं है काइट के लिए, लेकिन आपको क्या करना है, आपके फील्ड में आपको जिसमें इंटरेस्ट है उसके अंदर आपको क्या करना है, आगे बढ़ते बढ़ते रहना है और टॉप लेवल पे पहुंचना है। ओके, तो यहाँ पे ये जो पोयम है वो फिनिश होती है, कंप्लीट होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। तो आपको ब्रीफ आंसर इसके देने हैं। व्हाई वाज द लिटिल काइट स्केयर्ड, लिटिल काइट है वो क्यों डर रहा था। व्हाई वाज द लिटिल काइट थ्रिल्ड विद प्राइड, लिटिल काइट है वो प्राइड से थ्रिल्ड क्यों होने लगा। ओके, व्हाट कुड द लिटिल काइट सी फ्रॉम द स्काई, लिटिल काइट है वो स्काई से क्या देख सकता था। फिर फोर नंबर पे इमेजिन यू आर द लिटिल काइट, आपको इमेजिन करना है कि आप एक लिटिल छोटा सा काइट हो। टेल योर स्टोरी इन फोर फाइव सेंटेंस, और आपको अपनी जो स्टोरी, आपको खुद एक लिटिल काइट हो ऐसा इमेजिन करना है और अपनी स्टोरी है वो फोर से फाइव सेंटेंस में लिखनी है। ओके, तो सबसे पहले है हम जो क्वेश्चन आंसर है इसमें दिए गए हैं वो भी क्वेश्चन आंसर, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर है वो भी हम दिखेंगे। ओके, सो कीप द नोटबुक एंड पेंसिल विथ यू सो दैट यू कैन राइट विथ मी। ओके ओके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है Why was the little guy scared? Okay, little guy है वो क्यों scared हो रहा था, क्यों डर रहा था उड़ने से, fly करने से क्यों डर रहा था। तो आपको बताइए कि little guy थे वो डर रहा था कि वो कहीं, वो ऐसा सोचता था कि गिर जाएगा, फोल हो जाएगा, इसीलिए वो डर रहा था। ओके, तो द लिटिल काइट वाज स्केयर्ड आंसर आएगा बिकॉज, क्योंकि, क्यों डर रहा था, बिकॉज ही थॉट ही वुड फॉल, उसने सोचा कि वो गिर जाएगा इसीलिए वो स्केर्ड हो रहा था। ओके, सेकंड है व्हाई वाज द लिटिल काइट थ्रिल्ड विद प्राइड, because
स्काई में हाई यानी ऊंचाई पर उड़ सकता था, इसीलिए वो थ्रिल विथ प्राइड हो गया। ओके, पहले दो क्वेश्चन के आंसर अपनी बुक में लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट कुड द लिटिल काइट सी फ्रॉम द स्काई। लिटिल काइट है वो ऊपर जाके स्काई में से नीचे क्या देख सकता था, तो वो देख सकता था कि जो बॉयज है लाइक लिटिल स्मॉल स्पॉट्स इन द ग्राउंड, तो ग्राउंड में छोटे छोटे स्पॉट्स है, वो क्या कर रहे हैं, मूविंग कर रहे हैं, ऐसा वो ऊपर से देख सकता था। ओके, तो हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे द लिटिल काइट कुड सी द बॉयज लाइक स्मॉल स्पॉट्स मूविंग ऑन द ग्राउंड। ओके, तो आंसर इज द लिटिल काइट कुड सी द बॉयज लाइक स्मॉल स्पॉट्स मूविंग ऑन द ग्राउंड। ओके, तो थर्ड नंबर का क्वेश्चन आंसर लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, वो थोड़ा सा बड़ा है इसका आंसर, लेकिन इसमें आपको क्या करना है, 4-5 सेंटेंस में ही इसका आंसर लिखना है, क्योंकि आपको इमेजिन करना है कि आप एक लिटिल काइट हो, तो आपको स्टोरी बतानी है कि अगर आप लिटिल काइट होते तो कैसा फील करते। तो आंसर आएगा आई एम अ लिटिल काइट, मैं एक लिटिल काइट हूँ, आई वाज स्केयर्ड टू फ्लाई बिकॉज आई थॉट आई वुड फॉल, कि मैं ऊपर उड़ने से फ्लाई करने से थोड़ा सा डरा हुआ था, डरा हुआ हूँ, क्योंकि क्या है, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि मैं कहीं गिर न जाऊं। When I saw the big kite flying high up in the air, जब मैं बड़े काइट को ऊपर तक एयर में उड़ते हुए देखा, I became a little brave, तो मैं थोड़ा सा ब्रेव हो गया, उसको उड़ते हुए देखकर मुझ में भी थोड़ी हिम्मत आ गई, and started to fly, और फ्लाई करना मैंने उड़ना स्टार्ट किया। How thrilled and proud I was, मैं कितना खुश था और कितना proud फील कर रहा था, only because I was brave and I tried, ये सिर्फ इसकी वजह से हो पाया क्योंकि मैं ब्रेव था और मैंने ट्राई किया। ओके, ट्राई करने से और हिम्मत रखने से हम कुछ भी है वो कर सकते हैं। ओके, तो ये 4 नंबर का आंसर है, वो भी आप लिख लो।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या है। तो व्हाट डिड द बी ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन है
ओके तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन आंसर है वो देखे, उसके बाद है एक्टिविटी नंबर 4 है उसमें टिक द करेक्ट ऑप्शन विच लाइंस फ्रॉम द पोयम टेल यू दैट द काइट वाज रेडी फॉर फ्लाइट। इसमें दिए गए ऑप्शन में से कौन सी लाइन है वो ये बताती है कि जो काइट था वो फ्लाइट यानी फ्लाई करने के लिए रेडी था। ओके तो एक्टिविटी नंबर 4 टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे पहला है उसमें कौन कौन से ऑप्शन है, ए देन द लिटिल काइट्स पेपर स्टेड एट द साइड, बी फर्स्ट वर्निंग एंड फ्राइटेंड देन ब्रेवर ग्रोन, और सी एस ही सेल विद द बिग काइट साइड बाय साइड। तो इसमें कौन सा ये जो सेंटेंस है वो ये दिखा रहा है, ये बता रहा है कि काइट है वो फ्लाइट के लिए रेडी था। ओके तो लेट्स राइट। तो पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या आएगा, ए आएगा। ए में क्या है, देन द लिटिल काइट पेपर स्टिक एट द साइड, ऐसा लिखा हुआ है, फिर ऐसे बॉक्स दिया गया है उसमें आपको ऐसे टिक मार्क करना है कौन सा आंसर है। नंबर 1 पे ए आएगा। ओके नंबर 2 पे हम देखें तो क्या आएगा, द लिटिल काइट डिड नॉट वांट टू फ्लाई हायर एज, लिटिल काइट है वो ऊपर उड़ना नहीं चाहता था, क्यों, ए इट वॉज अफ्रेड दैट इट वुड फॉल क्योंकि वो डर रहा था कि वो कहीं गिर जाएगा, बी इट वॉज अफ्रेड ऑफ द हाइट वो हाइट से डर रहा था, कि सी इट वॉज अफ्रेड दैट अदर्स माइट क्रैश इनटू हिम कि वो डर रहा था कि दूसरे जो हाइट से उसके ऊपर क्रैश कर देंगे, ऐसा उसको डर था। तो इसमें सही आंसर है वो कौन सा है, नंबर 2 पे आएगा ए। इसमें भी क्या आएगा, ए, क्योंकि वो सोचता था कि कहीं वो गिर जाएगा इसीलिए वो ऊपर उठने से ऊपर फ्लाई करने से डर रहा था। ओके तो यहाँ पे भी क्या आएगा, नंबर 2 पे भी ए आएगा कि इट वॉज अफ्रेड दैट इट वुड फॉल। ओके इसमें भी ऐसा बॉक्स है सामने, इसमें आपको ऐसे राइट का टिक मार्क करना है। और नंबर 3 पे हम देखें तो क्या आएगा, द लिटिल काइट वॉज बीइंग एनकरेज्ड बाय, वो किससे एनकरेज हुआ। ओके तो ए द अदर काइट्स इन द स्काई, दूसरे काइट्स जो स्काई में उड़ रहे थे उसको करेज मिली, उससे हिम्मत मिली, बी द ब्लू काइट, ब्लू काइट से उसको हिम्मत मिली, कि सी द बिग काइट, जो बड़ा काइट था बिग काइट था उससे उसको करेज मिली। तो इसमें आंसर आएगा सी द बिग काइट, जो बिग काइट था उसको देखकर उसमें भी क्या हो गया, ब्रेव हो गया, वो भी उसको देखकर वो एनकरेज हो गया। ओके तो नंबर सी पे आंसर आएगा, सॉरी नंबर 3 पे आंसर आएगा सी द बिग काइट। ओके इसमें भी आपको राइट का टिक मार्क लगाना है। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली आंसर्स लिखे हैं, 1, 2 और 3। 1 में आंसर आएगा ए, 2 में आएगा ए और 3 में आएगा सी। तो ए के सामने राइट लगाना है आपको, बी के सामने राइट लगाना, सॉरी सेकंड में भी ए के सामने ही राइट मार्क लगाना है, और थर्ड में आपको सी के बॉक्स में आपको राइट का टिक मार्क लगाना है। ओके यहाँ तक हम ये वीडियो में स्टॉप करते हैं, आगे ये लेसन नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके तब तक आपको क्वेश्चन आंसर है वो सब रीड करने हैं और उसको बाय हार्ट भी करना है, रिमेम्बर भी करना है।